फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ चिंगड़ी फ्राई राइस बोलिए या फिर बिरयानी बोलिए इसको, मैं कुछ अलग ही टाइप से बनाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इतने दिन बाद देने के लिए सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी मेरा वीडियो इतना दिन बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसके लिए मैंने प्याज लिया है ऐसे बारीक कट के, लहसुन लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे तेज पत्ता लिया है, जीरा लिया है, घी, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची पेस्ट, और इसके बाद मैंने आलू और गाजर को ऐसे काट लिया है पीसेस में, धनिया पाउडर लिया है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च जिससे थोड़ा कलर आएगा, गरम मसाला, चावल को मैंने पहले से पका लिया है, बहुत ज़्यादा देर तक मत पकाइएगा इसको, थोड़ा हल्का सा ऐसे रखिएगा क्योंकि बनाते टाइम में और भी थोड़ा सा पकेगा ये वाला चावल। गरम मसाला, सब खड़ा मसाला दे के मैंने इसको बॉईल किया है, और शाही बिरयानी मसाला मैंने लिया है, चिंगड़ी लिया है इसके लिए मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने पहले से बर्तन उठा लिया है, मैंने रिफाइन और बेल आइकन दबाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पहले इसमें मैं थोड़ा सा जीरा मिर्च दे दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें तेज पत्ता दे रही हूँ, करीब एक चम्मच लहसुन का पेस्ट दे रही हूँ, हल्का सा इसको ज्यादा ले कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें लहसुन दे रही हूँ, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, हल्का ज़्यादा नहीं, परिवार का थोड़ा मिर्चा का पेस्ट, अब इसमें मैं आलू गाजर मिक्स कर दूंगी। मैं थोड़ा चम्मच दे रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, और इसको अच्छे से फ्राई कीजिए।
अब इसको कुछ देर के लिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज को कॉल कर लीजिए, धीमी आँच में पका लीजिए इसको। बन रहा है तब तक आलू और गाजर तब तक मैं यहाँ पे प्रॉन को फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें भी फ्राई कर सकते हैं, मैं अलग से कर लूँ। प्रॉन फ्राई हुआ। देखिए प्रॉन से जितना पानी निकला है उसी को मैं इसमें दे दूंगी। अब ये प्रॉन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें काजू किशमिश भी दे सकते हैं फ्राई करके। इसमें हल्का सा चावल में घी ऐड कर लीजिए, ज्यादा नहीं, और नमक। थोड़ा सा सॉल्ट और नमक दे दीजिए। अब इसको से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से ऐसे लेके मिक्स कर लीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कैसा लगा आपको ये रेसिपी, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब ये मेरा पूरा बॉईल हो गया आलू और अब इसमें मैं चावल ले रही हूँ ऊपर से। इसको कवर अप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे आधा किलो प्रॉन लिया है। अब मैं इसमें
बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बन भी जाता है। ये गरम मसाला थोड़ा सा दे दीजिए ऊपर से हल्का। थोड़ा सा इसमें और ऊपर से घी ऐड कर दीजिए। चाहे तो दे भी सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। अब इसको धीमी आंच में कुछ देर तक होने, अब इसको हल्के हाथों से ऊपर वाला देखिएगा, देखने में कितना अच्छा लगेगा, इसको खाने में भी उतना ही टेस्टी है। हल्के हाथों से ऊपर से नीचे, अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दीजिए। रेडी हो गया देखिए, अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये रेडी हो गया बिरयानी, इसको आप फ्राइड राइस भी बोलते हो, बिरयानी बोल सकते हो। इसको खाने में बहुत टेस्ट लगता है, आप लोग जरूर घर में ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मेरे को कमेंट करके बोलिएगा आप लोग की ये रेसिपी कैसी लगी है। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत के लिए मेरे नए वीडियोस पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।